एके मिश्रा जी को मैं लाना चाहूंगी। एके मिश्रा जी, आप सुन लो, अजय वर्मा से लगातार मैं धारा 370 को लेकर स्टैंड क्लियर करने की बात कह रही हूँ, चाहे वो गुप्कार गैंग को लेकर मेरे सवाल हो, वो गोलमोल जवाब क्यों दे रहे हैं सर? क्या डर है? क्या नीति स्पष्ट नहीं है या कहीं गुपचुप समर्थन है? जब नीति स्पष्ट नहीं होती है, किसी एक स्टेट के लिए या देश के लिए विजन नहीं होता है, तो हमारे अजय शर्मा सर भी क्या करें? ये भी डर रहे हैं कि हम कुछ बोल दें और ऊपर से कोई दूसरा स्टेटमेंट आ जाए, कोई दूसरी नीति आ जाए, तो इसीलिए अजय शर्मा जी भी हाँ या ना नहीं कर पा रहे हैं कि 370 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है, टॉप टू बॉटम विपक्ष में गैप है। उनके बड़े नेता कुछ और बोलेंगे, प्रवक्ता बेचारे फंस जाते हैं, जितने मुंह उतनी बात उतनी नीतियां, मुंडे मुंडे मित्र बनने वाली बात है, इसमें फंस जाते हैं हमारे प्रवक्ता भाई, हमारे प्रवक्ता मित्र जो बैठते हैं नेता बन के कांग्रेस का, जो कांग्रेस का या विपक्ष का पक्ष लेके, उनको मलालत होती है, वो जलील होते रहते हैं टीवी पे बैठ के। मैं तो बोलूंगा कि पहले आप लोग अपने पार्टी के हेड क्वार्टर से डिमांड करिए कि मुझे क्लियर कट नीति दीजिए, ताकि हम टीवी पे जाए, नहीं तो हम टीवी पे जाएंगे नहीं। आप लोग क्यों आते हैं सर जिल्लत सहने के लिए? ठीक है अजय वर्मा जी, रिएक्शन उसके बाद हरभक्त जी के पास मैं जाऊंगी। रखेंगे एके मिश्रा, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी सवाल यही है एके मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। गुपकार गैंग को लेकर जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, चाहे रविशंकर प्रसाद हो, अमित शाह हो, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान आ गया कि भैया गुपकार गैंग को लेकर स्पष्ट कर देना चाहिए कांग्रेस को अपनी स्थिति, क्या उन लोगों के साथ है या नहीं। ये सब कुछ जो हो रहा है, क्या डीडीसी चुनाव को देखते हुए हो रहा है? दिनेश जी मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चुनावी माहौल हमेशा बना रहता है, और मैं बीजेपी कांग्रेस दोनों की बात करूं तो डेफिनेटली ये लोग जो है अपना राजनीति करते हैं, बात हम राष्ट्र की करेंगे। दो जो है वक्तव्य यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट है, एक फारूक अब्दुल्ला ने बोला कि हम चाइना की मदद से 370 हटाएंगे, महबूबा मुफ्ती हमेशा से इसका विरोध करती रही है 370 को हटाने के, और उन्होंने बोला कि नौजवानों के पास अब कोई विकल्प नहीं है कि बंदूक उठा ले। अब ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखिए, 1947 के टाइम में एक बार हमारे देश ने गलती कर दी थी यूएन में जाकर के, इस मुद्दे को ले जाकर के, जिसका परिणाम पिछले 70 सालों से ये देश भुगत रहा है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि 370 या 35A या जम्मू और कश्मीर का ये मुद्दा केवल जम्मू और कश्मीर स्टेट का नहीं है या कुछ पॉलिटिकल पार्टियों का नहीं है, ये पूरे राष्ट्र का मुद्दा है। इस पे जब भी निर्णय होगा, पहला राष्ट्रहित का मुद्दा देखा जाएगा कि इस धारा को रखना या हटाना राष्ट्रहित में है कि नहीं है। बिल्कुल है, 70 सालों से खून की नदियां बहती रही, आतंकवाद वहां पनपता रहा, पार्टी किसी की भी रही हो, सरकार किसी की भी रही हो, और इस आतंकवाद की धधक देश के दूसरे राज्यों में भी फैली। ऐसे में ये बोलना कि हम चाइना के पास जाएंगे, इन लोगों का ये भी भरोसा नहीं, कल को ये बोल देंगे हम लश्करे तोयबा के पास जाएंगे, कल को ये बोल देंगे कि हम दाऊद के पास जाएंगे, फिर ये बोल देंगे कि हम उसके बाद जो है तालिबान के पास जाएंगे। ये तो फारूक अब्दुल्ला ने बोला ना, कि राहुल गांधी ने तो नहीं बोला। पूछना चाहिए कि अजय वर्मा जी, आप लोग क्लियर कर दीजिए ना स्टैंड अपना, कि गुपकार गैंग के साथ आप लोग हैं या नहीं, या धारा 370 को लेकर आपका क्या स्टैंड है, आप क्लियर कर दीजिए। ये लोग यही क्लियर करते हैं कि कहां कहां ये जाएंगे, लश्करे तोयबा के पास जाएंगे, तालिबान के पास जाएंगे, चाइना से तो इनको कोई रिस्पांस मिला नहीं, पाकिस्तान से रिस्पांस मिला नहीं, अब ये तालिबान के पास जाएंगे 370 के मुद्दे को फिर से लागू करवाने के लिए। ठीक है सर, सर अजय वर्मा जी, हम कांग्रेस पार्टी और इसके कार्यकर्ता और इसके नेता, हमने आपको पहले भी कहा, अब भी कह रहे हैं, और इसे किसी से जोड़ लीजिए, हम चुनाव कहां भी चुनाव होगा देश में, तानाशाही जो अघोषित कर्फ्यू जो जर्मन शाही देश में चल रही है, उसके खिलाफ हम महंगाई के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। सर हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, कांग्रेस गुपकार गैंग के साथ है या नहीं? मैडम जहां चुनाव होते हैं उस चुनाव में इस बीजेपी की तानाशाही नीति को उठाने के लिए, हाँ या ना में जवाब, सर हाँ या ना में जवाब, हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं वहां, कांग्रेस पार्टी अपना गठबंधन करती है तो हम अपना चुनाव लड़ने जा रहे हैं वहां, उस चुनाव में किसके साथ क्या गठबंधन है आपका सर? गुप्कार गठबंधन के साथ आप गुप्कार गठबंधन के साथ सर चुनाव लड़ रहे हैं सर, डीडीसी चुनाव? हम लोगों की नीतियां देश हित में है। अजय वर्मा जी देखिए, आप गोलमोल जवाब दे रहे हैं, और ये मौका फिर आप बीजेपी को दे रहे हैं कि वो आपको कहे
कि आप बुक्कार गैंग का समर्थन करने उनके साथ है, आप बता दीजिए सर। कांग्रेस पार्टी एजेंडा नहीं चलाती, चाइना और बीजेपी के क्या संबंध है इसकी जांच होनी चाहिए, पाकिस्तान के और बीजेपी के क्या संबंध है इसकी जांच होनी चाहिए। बिन बुलाए बिरयानी खाने जाते हैं, बिन बुलाए बधाई देने जाते हैं, मुसलमान और हिंदू ओबीसी से अजय वर्मा जी क्या कनेक्शन है? अजय वर्मा जी इतिहास को छोड़िए, अजय वर्मा जी इतिहास को छोड़िए। अगर चाइना नहीं हटाए, समय बदल चुका है, धारा 370 हट चुकी है, आप ये बताइए धारा 370 को लेकर आपका क्या स्टैंड है? अजय वर्मा जी देखिए, आप गुप्कार समझौते को लेकर भी क्लियर नहीं है। अजय वर्मा जी पहले सवाल सुन लीजिए, एके मिश्रा जी मैं आपके पास आऊंगी। एके मिश्रा जी एक एक करके बोले, चाइना से इनके क्या संबंध है? चाइना से चंदा लेते हैं, चाइना का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट गुजरात में है। तो बोल रहा है ना कि हम चाइना के पास सीधे सीधे जो मुंह में छुपा है वो बोल दीजिए कि अब अंतिम विकल्प तालिबान बचा है, हम वहां जाएंगे अगर 370 नहीं आएगा तो। अरे आप ये बोलिए लोकतांत्रिक तरीके से हम विरोध करेंगे, सरकार बनाएंगे संसद में, हम संसद में विरोध करेंगे, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में और नियमों में विश्वास नहीं है। आपको हमने इसलिए बुलाया ताकि आप अपनी राय रखें, आप पे गंभीर आरोप है, आप पे आरोप ये है कि संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कांग्रेस का साथ आतंकवाद के साथ है। हम बीजेपी की तरह डबल नीति नहीं खेलते, पॉलिटिकल एजेंडा नहीं चलाते, हिंदू मुस्लिम को नहीं बांटते, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं करते, हम सांप्रदायिक माहौल कायम रखते, हिंदू मुस्लिम ईसाई सबका साथ देते। ठीक है आप सबको रोकना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर गुप्कार गैंग की अगर बात हो रही है तो बेहद जरूरी है कि वहां की जो क्षेत्रीय पार्टी है उसको भी जोड़ा जाए और उसका पक्ष भी समझा जाए। पीडीपी के नेता बहुदर रबान हमारे साथ जुड़े हैं, आपसे सर ये जानना चाहेंगे, चूंकि अमित शाह भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि आप लोग मिलकर आतंकवाद को वहां पर बढ़ावा दे रहे हैं, ये राष्ट्र हित में नहीं है, राष्ट्र विरोधी गठबंधन है आपका। आप तो खुद बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, तर्जमान है, आप उन्हीं की बात करेंगे? आप सरकार से सवाल नहीं करते, हमसे अपोजिशन से सवाल करते हैं। ये तो बदकिस्मती है ना कि आज इस मुल्क में इतनी बड़ी जमहूरियत दुनिया की है कि बिना आप सरकार को क्वेश्चन करें, उनके फेलियर से, गवर्नेंस से, इकोनॉमी के हालात से, आपने सरकार से सवाल करने के लिए छोड़ा ही कहां देशवासियों को, आप तो आगे आगे बढ़ रहे हैं। हमारा हक है गवर्नमेंट को क्वेश्चन करने का, लेकिन यहाँ जी महबूबा मुफ्ती ने तिरंगे को लेकर क्या टिप्पणी की थी सर, क्या टिप्पणी की थी? कोई टिप्पणी नहीं की थी आपने, हमने जो हुकूक मांगे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूक है, हम जो बात करते हैं वो आईनी हिंद के दायरे में बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के हकूक जो छीने गए वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, कोई ठीक या खैरा वो आपको राष्ट्र विरोधी कहे तो आपको गलत लगता है, आप तिरंगे का अपमान करें तो सही लगता है, आप ये कहते हैं जबकि जम्मू की जमहूरियत जो है वहाँ की आवाम है वो बंदूक उठा लेगी तो ये सही है सर, आप भड़काने की राजनीति करेंगे तो ये ठीक है, आप भड़काने की राजनीति करेंगे तो ठीक है सर, जो मुल्क का बंटवारा करेंगे, हिंदू मुसलमान को डिवाइड करेंगे वो राष्ट्र विरोधी है। अरे सर आप तो देश का बंटवारा करने पे तुले हुए हैं, मुल्क का बंटवारा कैसे हो गया सर, के साथ मिल करके संसद से पूरा बिल पास किया गया, धारा 370 को हटाने का, 70 साल तक देश की मुख्य धारा से अलग करके रखा हुआ है, वो भी तो संसद ने, जो आपकी मांगे हैं देश की मुख्य धारा से आपने एक पूरे स्टेट को वहाँ के लोगों को 70 साल से बंधक बना के रखा हुआ है, सारे लोग बीजेपी के माउथ पीस, देश की मुख्य धारा में उनको जुड़ने नहीं दिया आपने, आज तक वही बन रहे हैं तो हम क्या बात करेंगे, आप बात करने लायक है भी नहीं सर, आप तो चाइना से बात करेंगे, आप पाकिस्तान से बात करेंगे, आप देश की जनता से बात करेंगे, ये बताइए किसने कहा कि वहाँ की आवाम बंदूक उठा लेगी, वहाँ के युवा बंदूक उठा लेंगे अगर धारा 370 की बहाली ही नहीं होगी, आप इस तरीके की चेतावनी देंगे सर, खून की नदियों की बात किसने कही थी? आप उनसे सवाल करिए ना जो कहते हैं कि मुसलमानों को जय जय श्री राम कहना पड़ेगा, उनको क्यों नहीं सवाल करते आप? कल रविवार पे बात 370 की हो रही है, मुसलमान और जय श्री राम की हो रही है, और जय श्री राम अगर मुसलमान बोल देगा तो क्या दोजख में जाएगा? वहाँ पुराना लिखा है कि जय श्री राम बोल देने से ठीक है, किसी को जन्नत नहीं मिलेगी, शांत हो जाइए दिनेश जी, पहली बात देश आप लोग इतिहास में बहुत जल्दी चले जाते हैं, मैं आपसे बोल रही हूँ आप लोगों को गैंग शब्द से बड़ा प्यार है, नहीं आप लोगों को गैंग शब्द से बड़ा प्यार है, सर आप लोग आप ही मुझे बताइए, वो लोग गठबंधन कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी आवाम
को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें क्या गलत है? आपको गैंग से क्यों मार रहे हैं? इंटॉलरेंस गैंग हो जाता है, अरविंद नक्सल गैंग हो जाता है, टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाता है। किस मुद्दे में आप गठबंधन कर रही हैं मुझे ये बताएं। इसमें दिक्कत नहीं, बीजेपी कांग्रेस दोनों बताए की अगर आप किस मुद्दे में आप गठबंधन कर रही है चाइना को लाने के लिए। वही दुर्गांजी जवाब दीजिए, ये जो गठबंधन हुआ है गुप्कार का, जो गठबंधन हुआ है गुप्कार का, गठबंधन हुआ है किस मुद्दे को लेकर हुआ है? ठीक है सर, वही तो रमान जी को बोलने दीजिए। ये उसी मुद्दे पे गठबंधन हुआ जिससे बीजेपी और पीडीपी की अलायंस बनी। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस गुपकार पॉलिटिक्स के बीच में कूदना क्या दिखा रहा है? क्या ये सिर्फ जम्मू कश्मीर तक सीमित है या बीजेपी अब गुपकार गैंग के बहाने कांग्रेस पर हमलावर, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के साथ बल्कि कश्मीर तक के साथ कन्याकुमारी तक लेके जाना चाहती है, चाहे वो पश्चिम बंगाल के चुनाव हो, असम हो, 2021 में 5 राज्यों में चुनाव है, तो क्या ये मुद्दा वहां तक लेके जाने की कोशिश है बीजेपी की? दिनेश जी से आपके सवाल का जवाब लेंगे। एके मिश्रा जी, मेरा आपसे सवाल है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गुपकार पॉलिटिक्स के बीच में कूदने का मतलब क्या है? इसके मायने क्या निकाले जाने चाहिए सर? मिश्रा जी, इसका एक एक आदमी 370 और कश्मीर के ऊपर बात करता था, तो ये तो आजादी के समय से ही कांग्रेसी नेता भी कश्मीर के बारे में बात करते थे। कश्मीर भारत का एक एक आदमी के लिए अटूट अंग है, एक प्रदेश है, अभिन्न अंग है। तो ये मुद्दा यूपी क्या पूरे देश में एक एक प्रदेश में ऑलरेडी पिछले 70 सालों से ये फैला हुआ है। ऐसा थोड़ी है कि बीजेपी या कांग्रेस ने आज इसको फैलाया है। ये मुद्दा देशभक्ति का है, राष्ट्र की अखंडता और एकता से ये जुड़ा हुआ है। सवाल हमें इन लोगों से पूछना चाहिए कि ये मुद्दा ये लोग चाइना क्यों लेके जा रहे हैं, ये पाकिस्तान क्यों लेके जा रहे हैं? अरे मुद्दे पे अगर बात करनी है तो देश की जनता से बात करिए ना। 28 स्टेट पड़े हुए हैं आपके लिए, आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, निकलिए कश्मीर से बाहर और बोलिए कि 120 करोड़ की जनता का साथ मुझे चाहिए, 370 अच्छी है, मुझे उसको वापस लाना है। देश की जनता से ये बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे चाइना से, ये बात करेंगे पाकिस्तान से, और अब अगले चरण में ये बात करेंगे तालिबान से। कोई भरोसा नहीं है, कोई नहीं, पाकिस्तान तरीके से बात एक और सर? वहां पे कोई पाकिस्तान से कहां बात कर दी कांग्रेस ने सर? कहां बात कर दी, कहां बात की कांग्रेस ने पाकिस्तान से, मुझे बताइए। धारा 370 पर पाकिस्तान से कहां बात की? सरकार में जो कन्वेंशन में जितनी और पार्टियां हैं, पीडीपी वगैरह, ये सब लोग तो हमेशा ही पाकिस्तान के गुणगान गाते रहते हैं, पीछे चार टट्टू खड़े कर लेंगे शेम शेम करने के लिए। 120 करोड़ की जनता पाकिस्तान मुर्देबाद के नारे लगा रही है, वो आवाज इनके कानों में नहीं जाती है। बंदूक उठाने के नाम पे चार गुर्गे खड़े कर लेंगे पीछे, जो कि शेम शेम करते रहेंगे, और उसकी आवाज ये बोलते हैं पूरी दुनिया को सुनाई पड़ रही है। नहीं, एके मिश्रा जी देखिए, अगर आप पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं तो पाकिस्तान से अभी कांग्रेस की कोई मीटिंग तो हुई नहीं है सर, फैक्ट्स पे बात। अरे मैम, आप इतिहास जाकर के उठा के देखिए ना, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे जो अभी एक मेरे मित्र प्रवक्ता ने पूछा था कि क्यों गए बिरयानी खाने के लिए, तो मैं बताता हूँ। अटल बिहारी मोदी भी गए थे सर, अटल बिहारी वाजपेयी भी गए थे सर, वो विदेशी नीति का हिस्सा होंगे सर। हमने सोचा कि शांति के साथ, इसका कोई मतलब नहीं है आज के मुद्दे से, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बीटीपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए, हरभक्त सिंह बीटीपी के नेता जुड़ गए, उनको हम लेकर आते हैं। हरभक्त सिंह, एके मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, दिनेश जी इसका जवाब दीजिएगा, ये सवाल आपसे है। मैं देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ, ये जो बोल रहे थे कि आप लोगों को हटा देंगे और देश के दूसरे हिस्से से लोगों को लाके यहाँ बसाएंगे, इनको शर्म नहीं आती है? 90,000 रोहिंग्या मुसलमानों को वहाँ बसा दिया गया है, वो इनके लिए देश प्रेमी है, भारत देश के नागरिक है, और अपने देश के किसी और स्टेट का जिसके पुरखे यहाँ की मिट्टी में मिल गए, यही पैदा हुए, जाके जम्मू कश्मीर में बसेगा तो वो परदेसी है, चाइना से लाके बसाएंगे, पाकिस्तान से लाके बसाएंगे, पाकिस्तान में शादी करके वहाँ की बीवियाँ ये लोग ले आएंगे, आतंकवादी के रूप में उसको वहाँ की नागरिकता दिलाएंगे, रोहिंग्या मुसलमानों को ये बसाएंगे, उस पे इनको आपत्ति नहीं है। यूपी बिहार से एक आदमी जाकर के पंजाब से वहाँ बस जाएगा जिसके पुरखे यही पे पैदा हुए हैं, तो उस पे इनको ऑब्जेक्शन है, इनको शर्म नहीं आती है ऐसे तरफ देखने को? हरभक्त सिंह जी शांत हो जाइए, आपके सवाल का जवाब देंगे। मुसलमानों को क्यों बसाया वहाँ पे?
एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी, कांग्रेस को लेकर मेरा आपसे सवाल है। अभी आपने कांग्रेस के अंदर देखा किस तरह से अंदरूनी राज जो है वो खुलकर सामने आ चुकी है। आनंद शर्मा कहते हैं कि आरसीईपी के साथ सरकार ने समझौता नहीं किया तो मुझे दुख होता है, जबकि कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि हमारे दबाव में तो समझौता नहीं किया। वहीं धारा 370 को लेकर भी मुझे याद है कि जब हटाया गया था तो कांग्रेस में भी दो पार्ट था, एक समर्थन कर रही थी तो दूसरा कह रही थी कि धारा 370 को हटाने के तरीके के हम खिलाफ है। तो ये कंफ्यूजन की वजह से क्या कांग्रेस अपनी एक स्पष्ट नीति ना लेकर आ रही है और इसी वजह से बीजेपी लगातार हमलावर है, क्या यही हो रहा है कांग्रेस के अंदर? देखिए, धारा 370 को हटाने का कौन सा तरीका था पिछले 70 सालों में तो पता चल नहीं पाया। पहले ये तरीका ढूंढ ले जिसपे की देश की पूरी जनता एक मत हो जाए, पहली चीज, फिर उसके बाद ये सवाल पूछे। आरसीईपी का एक जो है रीजनल इकोनॉमिक वो मुद्दा है, उसपे इनका क्या दबाव रहा मेरी समझ में नहीं आ रहा है। रही दूसरी बातें जो है, कांग्रेस एक नेशनल लेवल की पार्टी है, नेशनल इंटरेस्ट में इनका एक कॉमन एजेंडा बनता है। जब ये किसी के साथ भी महाआघाड़ी सरकार इन्होंने बनाई ना, कुछ इन्होंने सूत्र दिए हैं कि हमारा ये फार्मूला होगा। मैं वही तो पूछ रहा हूं, आप किसी के साथ भी गुपकार के साथ आप एजेंडा बनाइए, तालमेल करिए, मैं बीजेपी के साथ आप करिए, आप एजेंडा अपना क्लियर करिए, किन मुद्दों पे आप बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। अजय जी, कंफ्यूजन क्यों है इतना कांग्रेस को लेकर? धारा 370 पर भी आप बोलने से बच रहे हैं, मैं देख रही हूँ। हमारा एजेंडा स्पष्ट है, हम विकास के साथ है, कांग्रेस पार्टी विनाश नहीं करती। ठीक है सर, जम्मू कश्मीर में विकास कैसे आएगा, जवाब दीजिए सर। धारा 370 हटा के या धारा 370 की बहाली करके बताइए सर। जनता को रोटी दो, रोजगार दो, पानी दो, व्यापार दो, अपने आप विकास आ जाएगा। एजेंडा बंद कर दीजिए, पूरे देश की जनता एजेंडा बंद कर दीजिए हिंदुस्तान के लिए, पूरा देश रो रहा है 2 करोड़। एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी को मैं लाना चाहूंगा। एके मिश्रा मनु जी मुझसे पूछ रही है जी, क्या जी? अजय जी, यहाँ पर सीधे एके मिश्रा जी कह रहे हैं कि आप लोगों की स्थिति जो है वो ऐसी है कि कुछ बोले तो फंसे, ना बोले तो फंसे, क्योंकि क्लियर स्टैंड आपकी पार्टी आपको बताती ही नहीं है। देखिए, ये मिश्रा जी का अपना निजी विचार है, ये मुखौटा पहन के बैठते हैं, इनकी तो छोड़ दीजिए। हमारी पार्टी 70 साल से पूरा आजादी के बाद आजादी दिलाने में योगदान रहा, ये लोग इस वक्त वर्तमान के शासक है, इनकी आजादी के टाइम क्या भूमिका थी पूरे देश को पता है कि कैसे करते थे, क्या करते थे। इसलिए अपने मुंह मियां मिट्टू बनने से कोई फायदा नहीं है, हमारा सारा चीज पूरे देश ने देखी है और हमें ना तो किसी से राय लेने की जरूरत है ना ज्ञान की जरूरत है। हमारा अपना स्टैंड है, हमारा क्लियर रहता है, सब चीजें साफ है। हम राष्ट्रद्रोही लोगों के साथ ना थे ना है, बीजेपी राष्ट्रद्रोही लोगों के साथ होती है। इनका एजेंडा है, इनका पॉलिटिकल विंजकता है, 40 महीने सरकार चलाते हैं। राष्ट्रद्रोही, एक मिनट, कौन, गुपकार गैंग की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, गुपकार गैंग को छोड़ दीजिए। अगर इनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कोई गठबंधन बन रहा है तो उसे गैंग का नाम दे देंगे। इनकी जांच कराई जाए, पाकिस्तान से इनके क्या पीछे संबंध है, ओबीसी से इनके क्या संबंध है, सीपीसी से इनके क्या संबंध है, कश्मीर में जो एजेंडा चला रहे हैं, ये विकास की बात क्यों नहीं करते। इन मिश्रा जी से कहिए कभी रोजगार मांग लिया करें, कभी महंगाई पे बोल लिया करें, कभी काले धन पे बोल लिया करें, कभी महिला सुरक्षा पे बात कर ले, कभी महिला अस्पताल पे बात कर ले। इन मिश्रा जी से कहिए रोजगार की बात कर ले, इन मिश्रा जी से कहिए छोटे व्यापार की बात कर ले, इन मिश्रा जी से कहिए अपना, ये भी एजेंडा बीजेपी का चलाते हैं, ये भी दोषी है उतने ही। इन लोगों का काम रोजगार की बात कही ना सर, एक मिनट, आपने कोरोना के मैनेजमेंट की बात कही सर, मैं जवाब देती हूँ। अभी हाल ही में आरबीआई की तरफ से रिपोर्ट आई थी सर, उसमें टॉप 5 राज्यों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राज्य यानी कि यूपी राज्य को बताई जा रही है एक, ये आंकड़े हैं, दे दूं आपको तो छाप देना, आप कहेंगे कि हाँ प्रशासन फौरन पहुंच जाता है। इसलिए जो दिखता है वो होता नहीं है। कोविड पूरे संसार में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे देश में है। 50 पार्टी पे बिहार में और आ गई 15 पे। कोविड जो है हालात बहुत खराब है इस देश में, ये छुपाए जाते हैं और दूसरे स्टेटों को बदनाम करा जाता है। कौन से राज्य जरा बताइए ना, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं हुआ बताइए ना। दिल्ली में किसका शासन है, महाराष्ट्र में किसका शासन है, पंजाब में किसका सर? ये मुख्यमंत्री योगी की रिपोर्ट थोड़ी थी, उनके सरकारी विभाग की रिपोर्ट थोड़ी थी सर, ये आरबीआई की रिपोर्ट का मैंने जिक्र किया सर। किसी इंस्टीट्यूट के आप आंकड़े तो मानेंगे ना? और मैं तो
हेलो, मैं तो आपको विदेशी आंकड़ों की रिपोर्ट बता रहा हूँ हिंदुस्तान के बारे में। इनको तो विदेशी में कोविड नहीं है, पूरे के पूरे हिंदुस्तान में कोविड है। विदेशियों से ही भरोसा है कांग्रेस पार्टी का, यही क्या कह रहा है? बीजेपी के लोग केवल एजेंडा झूठ बोलना, झूठ दिखाना, झूठ उपाना, झूठ पे सोना, झूठ खाना, झूठ दिखाना। एक मिनट सर, आज कोविड में मेरा डिबेट नहीं है, लगते फ्रेम फ्रीज हो गया है। एके मिश्रा जी, ये तो क्लियर हो गई ना फिर बात? मैंने यही बोला था कि ये लोग कंफ्यूज हैं, इनके ऊपर का नेता कुछ और बोलते हैं, ये बेचारे हमारे प्रवक्ता मित्रगण लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम अभी कुछ बोल दें तो गलत हो जाए, हमारी सदस्यता भी समाप्त हो जाए, हमारा पद चला जाए। ये अभी क्लियर हो गया ना इस डिबेट में। एक पार्टी के लोगों ने बोल दिया हाँ कांग्रेस हमारे साथ है, और हमारे प्रवक्ता मित्र जो है बोल ही नहीं पा रहे हैं कि हम साथ हैं कि नहीं। तो ये ऊपर से क्लियर करके आया करें कि आप हमें क्लियर करके बिना एजेंडा के आप हमें डिबेट में बैठा देते हैं, हमारी बड़ी बेइज्जती होती है। इनको ये बोलना चाहिए जी। जी अजय वर्मा जी, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी?